और त्योहारों को देखते हुए सरकार ने महंगाई को काबू में करने के लिए कई कदम उठाने का निर्णय लिया है और साथ ही डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर क्या क्या रुख है सरकार का इस पर वित्त राज्य मंत्री भागवत करत से खास बातचीत की है हमारी सहयोगी ऐश्वर्या ने चलिए सुन लेते हैं सर इन्फ्लेशन को लेकर सिक्स टू सेवन परसेंट के बीच में है uh, अभी दिवाली वगैरह दशहरा आने वाला है वॉट इज द गवर्नमेंट गोइंग टू डू अबाउट इट इन्फ्लेशन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि इन्फ्लेशन रेट भारत देश का अगर हम देखें तो अमेरिका चाइना से कम है और ओवरऑल इन्फ्लेशन बड़ा है लेकिन भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है भारत की इकोनॉमी एज कंपेयर टू अदर कंट्री अच्छी है आप देख लीजिए जो पड़ोस देश है उसमें देश में क्या चल रहा है श्रीलंका रहो पाकिस्तान रहो या बांग्लादेश रहो उतना ही नहीं तो हमारा इन्फ्लेशन कम है और इन्फ्लेशन कम कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार कोशिश कर रही है सर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 75 डिजिटल बैंक्स का इनाग्रेशन अनाउंसमेंट किया गया तो उसके बारे में आपका क्या प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा डिजिटल ही फाइव का इनाग्रेशन सिक्सटीन को सवेरे है ये डिजिटल बैंक बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे हमारे देश में हर स्टेट में किधर दो किधर चार बैंक को ओपन होने वाले हैं और डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए महत्वपूर्ण बैंक सर आज इस इवेंट में जी जे ने कुछ मांगे की है ड्यूटी पर लेकर उसके ऊपर आपका क्या जी जे की आज इधर बैंक कॉन्क्लेव चल रही है उसी में मैं आया था उनके जो कुछ मांगे हैं उनके साथ मैं दिल्ली में एक मीटिंग लेना चाहता हूँ कस्टम रिलेटेड हो एक्सपोर्ट रिलेटेड हो कुछ डिमांड्स आए या बैंक रिलेटेड हो उसके बारे में हम उनके साथ मीटिंग लेंगे उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं